हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भेल के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 18 अक्टूबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भेल में आज के दिन क्या हुआ, मतलब थर्सडे के दिन यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे के दिन इस स्टॉक में 2.49% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 74.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाला है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में आपको जरूर देखना चाहिए वो आपको बताएंगे और यहाँ पे उसको कैसे यूज करना है अपने ट्रेडिंग के टाइम पे जरूर जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और एंड में यहाँ पे थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस में हमें क्या लग रहा है मंडे को स्टॉक में क्या हो सकता है अपना एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो एक छोटा सा हिंट भी दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं हमारा वनडे का चार्ट। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम, मैं कहूँ यहाँ पे वॉल्यूम जो एवरेज से थोड़ा ज्यादा जरूर जो है वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। छोटा सा यहाँ पे वॉल्यूम आपको जो है जरूर देखने मिला। कैंडल जो है बड़ी जरूर देखने मिली है, मतलब यहाँ पे मीडियम साइज के कैंडल यहाँ पे जरूर बनी है, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स कम थे इसकी वजह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है आपको डाउन साइड देखने मिला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा थे और लो में भी यहाँ पे जो है वो इजिली बेच रहे थे, इसकी वजह से कैंडल भी जो है आपको रेड में जाते हुए देखने मिली। बाकी अगर हम बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 74-75, मतलब यहाँ पे जो है अभी ओवरबॉट एरिया में अभी भी जो है हमारा आरएसआई जो घूम रहा है जो एक कंसोलिडेशन का इशारा जरूर देता है। लेकिन याद रखें हम जो है हमारे इंडिकेटर्स पे जो पूरा भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक में जो मूवमेंट देते हैं, हमें उससे भी जो है जरूर अपने जो है ट्रेडिंग के टाइम पे कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ वन डे के चार्ट के बेसिस पे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आपको फिलहाल थोड़ा जो है और डाउन जाते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कोल जो है आपको कम देखने मिल रहा है, इंडिया में बहुत ही कम कोल बाकी है ऐसा कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो है भेल जो है इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा सेक्टर है, तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है डाउन साइड जरूर देखने मिल सकता है, लेकिन घबराने की बात है जैसे ही यहाँ पे जो है एक अच्छा यहाँ पे आपको जो है एक न्यूज़ आते हुए देखने मिलेगी तो यहाँ पे जरूर जो ये स्टॉक भी अपसाइड मोमेंट देगा। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिलहाल जो थोड़ा डाउन साइड जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है अगर मैं कहूँ एक फिगर तो यहाँ पे 67-68 के आसपास जो है 67 से लेके 65 के बीच में यहाँ पे जो है इजीली यहाँ पे आपको जाते हुए देखने मिल सकता है। तो मैं कहूँगा जरूर जो है आप यहाँ पे उस स्टॉक पर नज़र बना के रखें। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको हम चार्ट के बेसिस में यहाँ पे बता दें किस तरह से हमें लग रहा है कि ये जो है चार्ट जाने वाला है। बाकी यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है हमने एक जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से यहाँ पे जो हम फिलहाल जो है जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पे हम जो आपको कोई भी न्यूज़ के बेसिस वाले जो भी जितने भी न्यूज़ में जो आती है उसमें जो है यहाँ पे आपको नहीं बताते, मतलब कि यहाँ पे जो है अगर न्यूज़ आ रही है किसी भी स्टॉक में तो उस स्टॉक में जो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर जो हम एनालाइज कर रहे हैं इस स्टॉक का, लेकिन यहाँ पे हम जो आपको थोड़ा सा चौंका ना होने की बात कर मतलब कॉशियस रहने की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो है डाउन साइड के लिए ये स्टॉक जो है थोड़ा सा रह सकता है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे चलिए अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो आपको बताते हैं हमेशा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आप सीख लें, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वीडियो में। और यहाँ पे याद रखें हम जो आपको कोई भी ट्रेडिंग कॉज मतलब आपको बाय करना है या फिर सेल करना है वो नहीं बता, वो डिसीजन जो आपको अपना एक रिसर्च करते हुए ही लेना है। तो यहाँ पे जो है आप ज़रूर जो है अपना एक रिसर्च करें कभी भी जब यहाँ पे जो है किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे जो है मैं अभी फिलहाल जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है उसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एकदम अपसाइड के रेजिस्टेंस जोन की तो यहाँ पे हमें जो है डेटा जो है एक 52 रेंज के बाद का यहाँ पे हमें जो डेटा नहीं देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है 52 रेंज जो है उसका यहाँ पे हम जो है उसे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, क्लोजिंग यहाँ पे 74.10 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है,
डायरेक्ट एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है 75.65 का, डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 71.60 का। उसके नीचे का यहाँ पे जो है आपको बता दो यहाँ पे किस तरह से आपको जो मैंने नीचे का जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो यूज़ किया है यहाँ पे आपको किस तरह से जो है एक ट्रेडिंग के टाइम पे आपको जो यूज़ करना है उसका। यहाँ पे जो है अगर इस बीच में डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बीच में ये स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे ये एरिया होता है नो ट्रेडिंग एरिया, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे जो आप बिल्कुल जो है इस ट्रेड को जो है अवॉइड यहाँ पे कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी तक कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक छोटा सा जो है ज़रूर यहाँ पे एक जो है 72.85 का एक डायरेक्ट सपोर्ट हमें देखने मिलता है, लेकिन मेजर नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर जो इसको मार्क कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो आप जो है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए यहाँ पे अपने ट्रेडिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे 70.40 का नीचे का एक सपोर्ट एरिया आता है शॉर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पे 72.85 यहाँ पे एक डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे फिलहाल के लिए बन जाता है, जो इससे कि मैंने चेंजेस में यहाँ पे बताया। जैसे ही 72.85 यहाँ पे क्रॉस हो तो आपको 3 रेड कैंडल का वेट करना है और यहाँ पे 70.40 का यहाँ पे आप इजी अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। उससे थोड़ा डिफरेंस मतलब यहाँ पे जो है आपको 10 या 20 पॉइंट का जो अगर आप डिफरेंस रखें पॉइंट .10 या .20 का जो है उसके बीच में आप जो है यहाँ पे डिफरेंस रख सकते हैं। समझ लीजिए 70.50 का यहाँ पे अपना एक टारगेट इजीली यहाँ पे अचीव हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जो उसको टारगेट रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपसाइड के लिए अगर मैं बात करूँ, अपसाइड के लिए यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है 75.65 का यहाँ पे अपसाइड में जैसे ही गया तो आपको 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना और यहाँ पे 77 से 10 पॉइंट नीचे जो हमने ऑलरेडी मार्किंग किया है 76.90 का, उसका एक टारगेट अच्छा यहाँ पे बन जाता है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कभी भी टारगेट जो है छोटा है यहाँ पे ज़रूर जो है अगले सपोर्ट या फिर अगले रेजिस्टेंस जोन का जो है क्रॉस करने का वेट कर सकते हैं। और वैसे ही जैसे कि कंफर्मेशन कैंडल हमने कहा 3 ग्रीन 3 रेड जिस हिसाब से स्टॉक जा रहा है वो आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको अपनी ट्रेड लेनी है। अगर आप कहें यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या बनता है इस स्टॉक में थर्सडे के क्लोजिंग के बेसिस से मंडे के लिए, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए न्यूट्रल रहेगा, मतलब इसी बीच सपोर्ट जोन से रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही जो है मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिल सकता है, मतलब 72.85 से लेकर 75.60 के बीच में ही जो ये स्टॉक बीच में ही जो इसकी क्लोजिंग दे सकता है और यहाँ पे जो है आपको जो है ज़्यादा बड़ा मोमेंट मंडे के दिन इस स्टॉक में नहीं देखने मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है इस स्टॉक में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।